डियर ऑल फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट में हम कुछ चीज़ें करेंगे और हमने अभी तक आईपी की कॉन्फ़िगरेशन विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल कर लिया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई और हमने अपना पीसी का एग्ज़ाम नेम भी रख लिया यहाँ पे। तो ये आ गया एग्ज़ाम नेम। तो बेसिकली ये एग्ज़ाम नेम ज़रूरी होता है क्योंकि हम अगर अपने जो पीसी है उसका एग्ज़ाम नेम यहाँ पे देते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं। तो इस एग्ज़ाम नेम के बाद इसको आपने इसके बाद हमने अभी जो सबसे पहले रोल कॉन्फ़िगर करने हैं, तो यूनिवर्सिटी ने हमें चीज़ें दी हुई हैं वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं। तो वो आपने यूज़र गाइडलाइन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, जो यूज़र गाइडलाइन है उसको भी आप देख लें। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये आपकी आ गई यूज़र गाइड। तो यूज़र गाइड के अंदर कुछ चीज़ें हमने कर ली हुई हैं, अब हमने ये दो चीज़ें करनी हैं। सबसे पहले इसी तरतीब से करना है सब काम। तो ये दो चीज़ें हमने करनी हैं, एक इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट परमिशन सर्वर IIS करना है और दूसरा SQL करना है। तो इनको हम अब स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये वाला पेज ओपन करना है, इस पर ऐड रोल, तो यहाँ से ऐड रोल पे क्लिक करना है। तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, इस पर बिफोर योर बिगिन, तो यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, फिर आपने रोल बेस्ड फीचर्स, फिर नेक्स्ट। उसके बाद ये आपने जो आईपी सेट की है तो वो आपकी आईपी शो कर रहा है, इसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद आपने रोल सेट करना है, सबसे पहले आपने वेब सर्वर ले लेना है, इसको ऐड फीचर्स कर देना है। वेब सर्वर के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आपने ये जो रोल्स हैं ये अपने रोल आपने इस गाइड के मुताबिक जो है ना वो ऐड करने हैं। तो इस गाइड में ये हमने वेब सर्वर कर लिया, उसके बाद अब जो जो गाइड में रोल्स हैं वो हमने यहाँ पे ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले नेटवर्क के रोल्स हैं, ये दो हमने ऐड कर लिए। और इसके बाद आपके रोल्स हैं जी नेटवर्क फ्रेमवर्क में, ये आप देखें तो ये दो रोल्स हैं, ये भी हमने ऐड कर लिए। तीसरा है WCF, इसको आप ओपन कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें। तो इसके जो रोल्स हैं वो भी आप देख लें, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये HTTP मैसेज क्यूरिंग और ये चीज़ें आपने यहाँ से इस तरह से ऐड कर लेनी है। इतना ईजी है। तो ये भी रोल हमारे ऐड हो गया। उसके बाद आप जो नीचे देखें तो ये बाकी जो रोल्स आपके आ गए, इसके अंदर यही आपने रोल ऐड करने हैं फ़िलहाल। तो इससे यहाँ से नेक्स्ट, फिर आपने करना है नेक्स्ट, और ये और रोल्स आ गए। तो ये रोल्स हम देखेंगे यहाँ से। सबसे पहला जो है वो वेब सर्वर का है, तो उसको हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से रोल करने हैं। इसमें ये रोल ऐड कर लेना है आपने, और इसके बाद आपने जो रोल ऐड करना है, फिर हेल्थ वाला आ गया। तो हेल्थ के अंदर आपने ये एक रोल ऐड किया हुआ है हमने। उसके बाद आप परफॉर्मेंस के अंदर देखें तो डायनामिक और स्टैटिक, ये दोनों करने हैं। इसके बाद ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने एक भी नहीं छोड़ना, इनको आपने इसी तरह से ऐड करवाना है। तो उसके बाद जो रोल्स हैं, अगर आप थोड़ा सा साइड पे चले जाएं तो बाकी रोल्स आपको यहाँ मेंशन होंगे। तो इस तरह से हम ऐप डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। सिक्योरिटी के जो रोल्स हैं पहले वो देख लेते हैं। तो सिक्योरिटी के जो रोल्स हैं हमारे वो यहाँ पर आपको यहाँ नज़र आएंगे। पहले दो रोल्स हैं, रिक्वेस्ट है, बेसिक है। तो ये आपने बेसिक और रिक्वेस्ट और URL और इसके बाद विंडोज़ का रोल ऐड कर लेना है, ये चूँकि यहाँ पे भी ऐड है। इसके बाद आपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट को ओपन करना है। तो इसके जो रोल्स हैं वो आपने यहाँ पे यहाँ से देख के ऐड कर लेने हैं। तो इसमें आप रोल्स देख सकते हैं फ्रेंड्स के, आपने कौन कौन से रोल करने हैं। इस एप्लीकेशन को छोड़ देना है, बाकी ये CGI को छोड़ देना है, बाकी ये सारे रोल आपने 6 के 6 रोल आपने डाल देने हैं इसमें। ये दो रोल आपने छोड़ दिए और ये कर लिए। इसके बाद FTP में कोई रोल नहीं है। नीचे फिर जो IIS सर्वर है इसके तकरीबन आपके सारे ही रोल ऐड होंगे, नीचे वाले भी दो ऐड होंगे। ये सारे रोल आपने ऐड कर लेने हैं, ये इंतहाई ध्यान से करना है, इसको चेक करना है बार बार आपने कि आपने सारे रोल कर लिए हैं। अगर रोल को मिसिंग होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो आपने इस यूज़र गाइड से अपने रोल सारे चेक कर लेने हैं, क्या हमने जो रोल इसमें ऐड किए हैं वो सारे वही हैं जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने हमें गाइड किया है। तो ये सारे रोल आपने इस तरह से ऐड कर लेने हैं, एक दफ़ा देख भी लेना है। तो मैं भी देख लेता हूँ। तो हेल्थ के भी जो रोल्स हैं वो
ये सारे आपने उसी तरह से रिव्यू कर लेना है कि आपने क्या वही रोल किए हैं जो यूनिवर्सिटी ने दिए हुए हैं, तो इस तरह से इनको जो नहीं है वो आप अनचेक कर रखें और जो करने हैं वो चेक कर रखें। तो ये रोल सारे करके सिक्योरिटी के भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो रोल्स हैं। तो ये सारे रोल करने के बाद आपने इसको करना है नेक्स्ट। जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे रीस्टार्ट रिक्वायर्ड, इसको येस करना होगा। फिर आपने यहाँ पे पाथ देना है, तो पाथ के लिए आपकी यूएसबी लगी है अगर पीसी में, तो आपने यूएसबी में जाना है, अपनी यूएसबी में जाके आपने ये पाथ सोर्स लेना है, और सोर्स के बाद आपने एस लेना है, इसको कॉपी करना है और इसी तरह से इसको यहाँ पे सोर्स में पेस्ट कर देना है। फिर ओके, फिर आपने इंस्टॉल, तो यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल करना है। क्योंकि ये आप रोल देख सकते हैं, ये इस तरह से आपने कॉपी पेस्ट किया और इंस्टॉल किया, उसके बाद हमारा ये वाला पेज जो है ना वो आना चाहिए यूनिवर्सिटी, ये जो पेज बताया ना 11 स्टेप, ये पेज आना चाहिए। ये पेज आ गया, इसका मतलब आपका लोकल होस्ट है, बन चुका है। तो इसके बाद हम रीस्टार्ट करेंगे, तो रीस्टार्ट करने के बाद ही हम फिर उसके बाद हमने ये सर्वर SQL 2014 करना है। तो रीस्टार्ट करने के बाद हम ये करेंगे, तो इसके बाद रीस्टार्ट मस्ट होता है। तो अभी ये रोल ऐड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे देखें आप ये रोल ऐड हो रहे हैं सारे। ये रोल ऐड करने के बाद हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा रोक देता हूँ। तो इस तरह से आपके रोल जो हैं ऐड हो रहे हैं। ये लाइन मुकम्मल जब हो जाएगी तो उसके बाद मुकम्मल होने के बाद यहाँ पे आपने क्लोज़ करना होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली। तो अभी नहीं आया, तो ये इसका आपने वेट करना है, यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करनी, इसको होने देना है। तो उसके बाद हम इसको रिस्टार्ट करेंगे। सो गाइस, ये आप सामने मैसेज आ रहा है इंस्टॉल सक्सेसफुली ऑन NPGP। तो NPGP हमारा सर्वर है, तो यहाँ से हम इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद हम इसको रीस्टार्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में आपको मज़ीद जो है वो गाइडलाइन दूँगा। ओके।